हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फरा। मैं आपका स्वागत करती हूँ चटपटा सफ़र में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे बनाएंगे हम भिंडी की कढ़ी। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, उसके अंदर एक चम्मच जीरा का बघार लगाएंगे। देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब उसके अंदर हम बारीक कटा हुआ 7 से 8 करी लहसुन बारीक कटा हुआ हम इसके अंदर डाल रहे हैं, जो कि हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था सब चीज़ें। देखिए, बारीक लहसुन कटा हुआ हम इसको लाइट गोल्डन होने तक तलेंगे, फ्राई होने तक। ये देखिए, हमारा लहसुन लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, कम से कम 3 से 4 4 से 5 बारीक कटी हरी मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे। और अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे ताकि हमारी भिंडी चिकनी ना हो और अच्छे से टेस्ट उस पर आ जाए। ये हमने कम से कम 250 ग्राम हमने भिंडी ली, जो कि 4 लोगों के लिए काफ़ी है भिंडी करी के लिए। देखिए, इस तरह से हमने इसके अंदर 250 ग्राम भिंडी ली है और हमने इसको बारीक बारीक 4 हिस्सों में कट करके रखी है। देखिए, भिंडी को हमने सबसे पहले 4 फाकों में कट के फिर उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस कर दिए हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर हम 10 से 12 बूंद नींबू की डालेंगे ताकि ये चिकना पन्ना पकड़े और एक अच्छे से सिक जाए और उसमें अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम इसकी कढ़ी बना रहे हैं तो वो खट्टी ही होगी। देखिए, इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए, अब हमारी एक तरफ भिंडी बन रही है, अब दूसरी तरफ हम कढ़ी की तैयारी करेंगे। हमने सबसे पहले लिया है दही, उसमें 4 चम्मच बेसन डाला है, फिर हल्दी डाली है उसके अंदर, फिर हमने नमक डाला है और हमने अमूल का छोटा वाला कप जो होता है दही का वो यूज़ किया है। ये देखिए, हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है इसके अंदर बनाने के लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए, कढ़ी बनाने के लिए। और हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है 1 चम्मच। और देखिए, अब हम इसके अंदर पानी डालकर इसको बिल्कुल पतला कर लेंगे, जैसे कढ़ी हम बनाते हैं ना इस तरीके से। ये देखिए, और अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा खड़ा जीरा डाला है, लगभग 1 चम्मच। ये देखिए, इससे कढ़ी का टेस्ट और निखर कर आता है। जब ये बॉयल होती है तो जीरे की खुशबू, आहा, मज़ा आ जाता है। देखिए इस तरीके से, देखिए अब हमारी ये भिंडी फ्राई होने आई है लगभग। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी और तीखा पसंद है तो आप इसके ऊपर रेड चिली पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, पर हमने ग्रीन चिली भिंडी की बघार में भी डाली थी और हमने कढ़ी के अंदर भी डाल दी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम लिया है बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो ये देखिए, इस तरह से हम कढ़ी को डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे बाउल के अंदर, जो हमने पानी तैयार किया था कढ़ी के लिए, जो बैटर तैयार किया था। देखिए, इस तरीके से हमने भिंडी और कढ़ी का जो मसाला हमने तैयार किया था वो उस तरह से मिक्स कर देंगे और फिर इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। पहले मीडियम आंच पर हम उसको बॉईल होने देंगे। देखिए, हमने इसको इस तरह से छोड़ दिया है। अब इसको हमें खुला ही पकने देना है, नहीं तो कढ़ी की जो भिंडी है वो चिकनापन पकड़ लेगी। देखिए इस तरीके से, अब हम इसको पहले मीडियम आंच पर पकने देंगे। देखिए, इसमें अच्छा सब उबाल आ गया है। ये कितने अच्छे तरीके से हमारा उबाल आ चुका है कि हमारी कढ़ी का जो बैटर था वो अच्छे तरीके से पक चुका है। देखिए इसके अंदर और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ी की और साथ में भिंडी मिक्स। मेरी बहुत फेवरेट है कढ़ी और भिंडी की कढ़ी, क्योंकि मुझे भिंडी और कढ़ी बहुत पसंद है। आप मुझे वीक में 2 बार भी भिंडी खिलाओगे तो मैं खा सकती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, अब हम इसको स्लो कर देंगे। हमें पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है, मीडियम आंच पे हमारा अच्छे से खत किया जाए। फिर उसके बाद हमें 5 मिनट स्लो आंच पर पकाना है कि अच्छे से ये गाढ़ापन थिकनेस पकड़ ले। अब इसको हम बारीक धनिया काट कर, लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे बारीक धनिया काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए, ये हमारी कढ़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको बाउल सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और आप इसको चाहे रोटी के साथ, चाहे पराठे के साथ, चाहे पूरी के साथ, चाहे खिचड़ी या चावल, किसी की चीज़ भी इसके साथ खाइए, बहुत टेस्टी मज़ा आता है। आप खाकर मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारी बिल्कुल भिंडी कढ़ी तैयार है, गर्मा गर्म खाने के लिए, सर्विंग के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब, चटपटा सफ़र का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।